ब्रैम्पटन के रहने वाले भारतीय मूल दे सिमरनजीत सिंह शैली जिसकी उम्र 41 साल है उसनू मनुखी तस्करी के मामले च यूएस फैडरल कोर्ट वल्लों दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई जाएगी जो कि भारतीय मूल दे सैकड़े लोगों को गैर कानूनी ढंग दे नाल सरहद टपा के अमेरिका च दाखिल करवा चुके हैं जिसनू 6 बार मनुखी तस्करी 3 बार साजिश के मामलों के दोषी मनिया गया। इस मौके उसका कोई भी परिवारक मैंबर ज रिश्तेदार अदालत हाजिर नहीं सी जिस वलों पटीशन समझौते स्वीकार किया गया कि वह भारत तो अमेरिका पहुँचाने तक का प्रबंध करता सी। भारत तो लोग कैलगरी टोरंटो ज मॉन्ट्रियल पहुँचते सन जिन्होंने सेंट लॉरेंस दरिया राही किश्ती बिठा के वह अमेरिका गैर कानूनी ढंग पुजदा कर देता सी। जदों सिंह अदालत पहुंचा तो उसने छोटिया बाहों वाला ओरेंज जंप सूट पहनया होया सी अते काले चश्मे लगाए हुए सन। ठोडी अते कन्न दे खब्बे हिस्से ते एक छोटा टैटू बनाया होया सी। यूएस अधिकारियों मुताबक दोषी वल्लों यह दावा किया गया कि उसने 1000 तो वध लोगों नूं गैर कानूनी ढंग दे नाल अमेरिका च एंटर करवाया। अदालत रिकॉर्ड मुताबक उस विरुद्ध केस मार्च 2020 अते अप्रैल 2022 दे दरमियान सेंट लॉरेंस दरिया पार मनुखी तस्करी दी 4 सफल कोशिशों नाल संबंधित निगरानी फेसबुक मैसेज अते लोगों तो इकट्ठी की गई जानकारी ते आधारित सी जो कि एक दलाल वजों लोगों तो प्रति व्यक्ति $5,000 तो $35,000 तक का खर्चा लैंदा सी। अक्वेसाने कम्यूनिटी के लोगों को प्रति दरिया पार करवाउण दे लई 2 तो $3,000 तक का भुगतान करता सी। अदालत मुताबक पिछले दिन ये रस्ते च अमेरिका दाखिल होंदे हुए रोमानिया नाल संबंधित एक परिवार की मौत हो गई सी। इस तों अलावा 4 भारतीय मूल के परिवारक मैंबरां की मौत भी हुई सी पर दोषी सिमरनजीत सिंह शैली का इन मामलों के नाल कोई संबंध नहीं है। दोषी के वकील अनुसार अदालत वालों 28 दसंबर 2023 नूं सज़ा सुनाई जानी है जिस तहत 15 साल तक की संभावी कैद अते डिपोर्ट किए जाने के हुक्म जारी हो सकते हैं। यूएस अधिकारियों वालों इकट्ठे किए गए रिकॉर्ड मुताबक शैली 2010 के अपनी पत्नी अते एक बच्चे दे नाल मॉन्ट्रियल आया सी अते उसने रिफ्यूजी क्लेम किया सी। इसके बाद उसकी माँ दूजे बच्चे दे नाल कैनेडा आई अते रिफ्यूजी क्लेम किया पर पंजाब दी एप्लीकेशनस रद्द कर दित्तियां गईयां पर कौंसलेट वल्लों डॉक्यूमेंट मुहैया ना करवाउण कारण कैनेडियन अधिकारी इस नूं डिपोर्ट नहीं कर सके। फिर इस वल्लों दूजा विआह करवा के कैनेडा च रहण दी कोशिश की गई पर वह एप्लीकेशन गिरफ्तारी तो बाद सस्पेंड की गई है। ब्रैम्पटन के रहने वाले भारतीय मूल दे सिमरनजीत सिंह शैली जिसकी उम्र 41 साल है उसनूं मनुखी तस्करी के मामले च यूएस फैडरल कोर्ट वल्लों दोषी मानते हुए सज़ा सुनाई जाएगी जो कि भारतीय मूल दे सैकड़े लोगों को गैर कानूनी ढंग दे नाल सरहद टपा के अमेरिका च दाखिल करवा चुके हैं जिसनों 6 बार मनुखी तस्करी 3 बार साजिश के मामलों के दोषी मनिया गया। इस मौके उसका कोई भी परिवारक मैंबर ज रिश्तेदार अदालत हाजिर नहीं सी जिस वल्लों पटीशन समझौते स्वीकार किया गया कि वह भारत तो अमेरिका पहुँचाने तक का प्रबंध करता सी। भारत तो लोग कैलगरी टोरंटो ज मॉन्ट्रियल पहुँचते सन जिन्होंने सेंट लॉरेंस दरिया राही किश्ती बिठा के वह अमेरिका गैर कानूनी ढंग पुजदा कर देता सी। जदों सिंह अदालत पहुंचा तो उसने छोटिया बाहों वाला ओरेंज जंप सूट पहनया होया सी अते काले चश्मे लगाए हुए सन। ठोडी अते कन्न दे खब्बे हिस्से ते एक छोटा टैटू बनाया होया सी। यूएस अधिकारियों मुताबक दोषी वल्लों यह दावा किया गया कि उसने 1000 तो वध लोगों नूं गैर कानूनी ढंग दे नाल अमेरिका च एंटर करवाया। अदालत रिकॉर्ड मुताबक उस विरुद्ध केस मार्च 2020 अते अप्रैल 2022 दे दरमियान सेंट लॉरेंस दरिया पार मनुखी तस्करी दीयां 4 सफल कोशिशों नाल संबंधित निगरानी फेसबुक मैसेज अते लोगों तो इकट्ठी की गई जानकारी ते आधारित सी जो कि एक दलाल वजों लोगों तो प्रति व्यक्ति $5,000 तो $35,000 तक का खर्चा लैंदा सी। अक्वेसाने कम्यूनिटी के लोगों को प्रति दरिया पार करवाउण दे लई 2 तो $3,000 तक का भुगतान करता सी। अदालत मुताबक पिछले दिन ये रस्ते च अमेरिका दाखिल होंदे हुए रोमानिया नाल संबंधित एक परिवार की मौत हो गई सी। इस तों अलावा 4 भारतीय मूल के परिवारक मैंबरां की मौत भी हुई सी पर दोषी सिमरनजीत सिंह शैली का इन मामलों के नाल कोई संबंध नहीं है। दोषी के वकील अनुसार अदालत वालों 28 दसंबर 2023 नूं सज़ा सुनाई जानी है जिस तहत 15 साल तक की संभावी कैद अते डिपोर्ट किए जाने के हुक्म जारी हो सकते हैं। यूएस अधिकारियों वालों इकट्ठे किए गए रिकॉर्ड मुताबक शैली 2010 के अपनी पत्नी अते एक बच्चे दे नाल मॉन्ट्रियल आया सी अते उसने रिफ्यूजी क्लेम किया सी। इसके बाद उसकी माँ दूजे बच्चे दे नाल कैनेडा आई अते रिफ्यूजी क्लेम किया पर
ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।